हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शैलेंद्र महेश्वरी और मैं सभी स्टूडेंट्स जो आज जेई एडवांस 2014 पेपर में अपियर हुए थे और उनके टीचर्स का इस जेई मेन जेई एडवांस 2014 पेपर एनालिसिस सेशन में स्वागत करता हूं। द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया जेई एडवांस विच वॉज प्रीवियसली नोन एज IIT जेई कंडक्टेड टूडे इन टू डिफरेंट शेप्स। दो पेपर इसमें कंडक्ट हुए। फर्स्ट पेपर वॉज कंडक्टेड इन द मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12 noon और सेकेंड पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ये पेपर कंडक्ट हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेंद्र महेश्वरी एंड आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स देयर फैकल्टीज इन दिस जेई एडवांस पेपर डिस्कशन एंड एनालिसिस सेशन। द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया जेई एडवांस कंडक्टेड टूडे इन टू डिफरेंट शिफ्ट। फर्स्ट पेपर वॉज कंडक्टेड इन द मॉर्निंग शिफ्ट 9 AM to 12 noon और सेकेंड पेपर 2 से लेकर 5 बजे के बीच में कंडक्ट हुआ। 3 घंटे के ये दो पेपर्स एग्जैक्टली उसी तरह के थे जिस तरह के लास्ट ईयर कंडक्ट हुए थे जेई एडवांस 2013 में। अगर हम ब्रॉडली इस पेपर का एनालिसिस करें सो देर वर फ्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर अकेडमिक टीम जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम पेपर का जो पैटर्न रहा उसके बारे में बात करेंगे। द पेपर फर्स्ट वॉज हैविंग टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। दोनों ही पेपर्स में 60 क्वेश्चन थे और फर्स्ट पेपर में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। दीज क्वेश्चन वर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट से इसमें 10-10 क्वेश्चन इस सेक्शन में डाले गए थे। टोटल 30 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर 30 क्वेश्चन। इसके साथ साथ न्यूमेरिक रिस्पॉन्स जो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो इस पेपर में थे और उसमें भी 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से थे, यानी 30 क्वेश्चन उस पेपर में डाले गए थे। ओनली 2 वेराइटीज वर देयर इन दिस पर्टिकुलर पेपर। सेकेंड पेपर वॉज हैविंग 3 डिफरेंट वेराइटीज। फर्स्ट सिंगल करेक्ट ऑप्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन, दीज वर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वर गिवन एंड ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन वॉज देयर। दिस एंड दिस वेराइटी, दीज 2 थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। यहां पर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड थे, यहां पर एक ही करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा 18 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड थे। हर सब्जेक्ट में 3-3 पैसेजेस दिए गए थे और हर पैसेज में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देर वर शॉर्ट नोट्स इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 3 शॉर्ट नोट्स इन ईच सब्जेक्ट, टोटल 9 शॉर्ट नोट्स और हर शॉर्ट नोट हर पैसेज के ऊपर 2 क्वेश्चंस उसमें बेस्ड पूछे गए थे, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड इन ईच सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ कॉलम मैचिंग वेराइटी के क्वेश्चन थे। कॉलम मैचिंग में जो ट्रेडिशनल कॉलम मैचिंग पहले जेई में पूछा जाता रहा था उस तरह का नहीं था। लास्ट ईयर से एक बदलाव कॉलम मैचिंग में किया गया था जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली होता है। एग्जैक्टली उसी तरह का कॉलम मैचिंग इस बार भी पूछा गया और हर सब्जेक्ट में 4 कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस थे, टोटल 12 क्वेश्चन इन कॉलम मैचिंग सेक्शन। ये बेसिकली पेपर का स्ट्रक्चर था। दोनों ही पेपर्स में 60 क्वेश्चन पूछे गए और हर सब्जेक्ट को 20 क्वेश्चन का वेटेज हर पेपर में दिया गया। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर देने पर +3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाने थे दोनों ही पेपर्स में। फर्स्ट पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन सेकेंड पेपर में 1 मार्क डिडक्ट किया जाना प्लान किया गया फॉर द रॉन्ग आंसर। यानी दोनों पेपर्स 180 मार्क्स के कंडक्ट हुए। सेकेंड पेपर वॉज हैविंग नेगेटिव मार्किंग स्कीम वाइल द फर्स्ट पेपर वॉज नॉट हैविंग एनी नेगेटिव मार्किंग स्कीम। यह बेसिकली पेपर का स्ट्रक्चर था। अगर हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस इस पेपर में करते हैं तो कुछ खास बातें इस बार के पेपर में देखने को मिली। पहले मैं आपको क्लास के बारे में बताता हूं। यू ऑल नो दैट दिस जेई एडवांस कंसिस्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। और फिजिक्स में दोनों पेपर्स को अगर देखा जाए तो क्लास 11th को एक सिग्निफिकेंट वेटेज दिया गया। 55% क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लास 11th सेक्शन जबकि क्लास 12th से 45% क्वेश्चंस पूछे गए। केमिस्ट्री में 40% क्वेश्चंस 11th से और 60% क्वेश्चंस 12th से थे। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पेपर में रहा कि क्लास 11th का वेटेज रिलेटिवली कम था, इट वाज ओनली 30% और क्लास 12th का वेटेज काफी ज्यादा था, इट वाज 70%।
आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे इसमें तो 11th में रिलेटिवली ज्यादा पूछा गया, यहां पर 11th का रिलेटिवली कम था, स्लाइटली कम था, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इनफैक्ट एक खास बात इस पेपर में देखने को मिली, जो नॉर्मली जेई के पेपर में ऐसा नहीं होता है, इस बार क्लास 12th में जो कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उससे 42% क्वेश्चंस पूछे गए। दोनों पेपर्स में मिलाकर 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, और उन 40 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चंस वर फ्रॉम कैलकुलस सेक्शन, और उसको बहुत ज्यादा वेटेज इस बार दिया गया। उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड पेपर में केवल 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए, ओनली 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फर्स्ट पेपर में हालांकि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया गया था। सो दिस इज अबाउट द क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस इन दीज टू पेपर्स। अगर हम इजी, डिफिकल्ट एंड एवरेज लेवल की बात करें, डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस अगर इस पेपर में हम करते हैं, तो उसमें भी जैसा कि मेरा कुछ स्टूडेंट से बातचीत हुई है, उनका ओपिनियन है, हमारी टीम जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है और हम लोगों ने जिस तरह से पूरे पेपर का एनालिसिस किया, उस बेसिस पर हम क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ इजी क्वेश्चंस, सेकंड इज ऑफ एवरेज क्वेश्चंस, एंड थर्ड इज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच वी एक्सपेक्ट दैट एवरी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन द एग्जाम में अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। अगर एवरेज की हम बात करें, सो दीज आर द क्वेश्चंस, दे क्रिएट अ बिट डिफिकल्टी लेवल टू द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स मे कंज्यूम मोर टाइम विद दीज क्वेश्चंस, और ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, कुछ उनके लिए कंफ्यूजन्स के स्टेट्स ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एवरेज कैटेगरी में रखा गया, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे थे जो टॉप रैंकर स्टूडेंट से ही एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि हाँ, इन क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, दे स्कोर वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन फाइनली। इस बेसिस पर अगर हम देखते हैं, तो फिजिक्स में पेपर 1 में 4 क्वेश्चंस को इजी, 12 को एवरेज एंड 4 को डिफिकल्ट रेट किया गया, जबकि पेपर 2 में 9 इजी, 7 एवरेज एंड 3 डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाले गए। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस इजी, 9 एवरेज एंड 8 क्वेश्चंस वर रेटेड एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जबकि पेपर 2 में 4 इजी, 10 एवरेज एंड 6 डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी डाली गई। पेपर 1 मैथमेटिक्स में 8 वर इजी, 9 वर एवरेज एंड 3 वर डिफिकल्ट, पेपर 2 में 5 वर इजी, 13 वर एवरेज एंड 2 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस यहां पर खास तौर से मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो वाकई बहुत डिफिकल्ट थे, और इट इज वेरी गुड इफ फ्यू स्टूडेंट्स कुड अटेम्प्ट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, पेपर 2 में एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत अच्छे डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 2 में, वो सभी क्वेश्चंस अच्छे डिफिकल्टी लेवल पर थे। पेपर में एक और खास बात थी, भले ही हम इसको इजी, एवरेज या डिफिकल्ट 3 कैटेगरी में रेट करें, लेकिन फिर भी ओवरऑल इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा थे और इस वजह से पेपर लेंथी बना। फिजिक्स का पेपर 1 आप इसमें देखिए, 12 एंड 4, 16 क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो एवरेज एंड डिफिकल्ट में डाले गए, और इससे पेपर की लेंथ बहुत ज्यादा थी। पेपर 1 में जो 3 सेक्शंस थे, तीनों को एक एक घंटा दिया जाना चाहिए एज पर द नॉर्म्स, लेकिन एक घंटे में इस फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये पेपर काफी लेंदी था। हालांकि जो इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, इनका डिफिकल्टी लेवल इजी था। अगर किसी स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजिकली काम किया होगा और ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए होंगे, तो उसका स्कोर डेफिनेटली ज्यादा अच्छा आया होगा। इसी तरह से पेपर मैथ्स के पेपर 2 की हम बात करें, तो इसमें भी लेंथी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, और मैथ्स का ओवरऑल सेकंड पेपर डिफिकल्ट पेपर रेट किया गया। दोनों पेपर्स में तीनों सेक्शंस का अगर हम डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस करें, तो फर्स्ट पेपर में फिजिक्स वॉज एट द डिफिकल्ट टॉप लेवल ऑफ द डिफिकल्टी, और सेकेंड पेपर में मैथमेटिक्स ओवरऑल डिफिकल्ट रहा। दोनों पेपर्स को मिलाकर अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो इसमें फिजिक्स को डिफिकल्ट माना गया, मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट माना गया, और केमिस्ट्री एवरेज लेवल पर रहा। जहां तक स्कोर की बात है, स्कोर बहुत सारी चीजों पर स्टूडेंट्स का डिपेंड करता है, जैसे उस स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या रही पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, उस स्टूडेंट ने
कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट किया, इन सारी बातों से उसके ओवरऑल स्कोर पर इंपैक्ट आता है। और अल्टीमेटली जब जेई का रिजल्ट आएगा तो कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उनको काउंसलिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, उनको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। मैं कुछ और बातें भी आपसे करना चाहूंगा, इसमें हम आगे जो आप डिस्कशन करेंगे उसमें हम इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम जेई एडवांस के थ्रू कितनी सीट्स उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगी उसकी हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो जेई एडवांस 2013 में थी उसको मैं आपको बता रहा हूं, 9885 नंबर ऑफ सीट्स वर देयर। और ये सीट्स चार कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। जनरल कैटेगरी के लिए 4844 सीट्स थी, प्लस 144 सीट्स फिजिकली डिफिशियंट पीपल जो पीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए थी, यानी टोटल 4984 सीट्स। ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर में 2599 सीट्स थी और फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए 75 सीट्स थी, यानी टोटल 2674 नंबर ऑफ सीट्स। एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1437 सीट्स, 44 सीट्स फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए, टोटल सीट्स वर 1481। एसटी कैटेगरी में 721 सीट्स, प्लस 25 सीट्स फॉर द एसटी कैटेगरी फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, और टोटल सीट्स 746 सीट्स थी। इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स 9885 थी जो जेई एडवांस 2013 का स्ट्रक्चर था। इस साल की अगर हम बात करें तो जितनी भी आईआईटीज हैं उन सभी आईआईटीज में वही सारे कोर्सेज जो लास्ट ईयर थे वो कोर्सेज यहां पर रहेंगे। और इसी तरह से कुछ और कोर्सेज ओपन हो सकते हैं, कुछ और सीट्स ओपन हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग 10,000 सीट्स फिर से इन 17 आईआईटीज में रहेंगी। इन आईआईटीज में जो इन सीट्स के अगेंस्ट जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो यहां मैंने आपको बता रखा है। लास्ट ईयर आईआईटी ने जब रिजल्ट दिया था तो लगभग 15,000 सीट्स का उन्होंने ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर किया था, और उस बेसिस पर जनरल कैटेगरी में 126 मार्क्स वाला स्टूडेंट आईआईटी जेई की लिस्ट में क्वालिफाइड स्टूडेंट डिक्लेयर किया गया था और उसका रैंक दिया गया था। लेकिन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो 156 जनरल कैटेगरी में जिस स्टूडेंट के 156 मार्क्स थे उसी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल बताया गया था। ओबीसी में ये कट ऑफ 113 था, एससी कैटेगरी में ये 63 था और एसटी कैटेगरी में ये 63 मार्क्स था आउट ऑफ 360। लास्ट ईयर का टोटल मार्क्स 180 के दो पेपर्स थे यानी 360 था, और इस साल का भी टोटल मार्क्स 180 के दो पेपर्स हैं यानी कि 360 मार्क्स है। इस साल जो पेपर का लेवल रहा अगर मैं उसको देखते हुए लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरिजन करता हूं तो लास्ट ईयर के पेपर में और इस साल के पेपर में डिफिकल्टी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस पेपर का प्रेजेंटेशन और इस पेपर में क्वेश्चन का फ्रेमिंग, उनका मिक्सिंग इस तरह से किया गया था कि स्टूडेंट के लिए ये पेपर रिलेटिवली लो स्कोरिंग रहे होंगे। वो स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर जेई एडवांस दिया, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से अगर वही स्टूडेंट इस साल का जेई एडवांस देता है तो इस साल उसका स्कोर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आने के चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था उस कट ऑफ से रिलेटिवली हम इस बार कम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन टॉप रैंक्स पर भी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स का स्कोर रहा होगा वो स्कोर इस साल रिलेटिवली कम रहने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरह से अभी तक स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बाकी तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब ज्यादा बच्चों से इंटरेक्शन होगा तब पता चलेगा, और जो हमारी टीम का फीडबैक इस पूरे पेपर के रेस्पेक्ट में आया है उस एनालिसिस के बेसिस पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल जो कट ऑफ रहा उसको भी हम उसी तरह से दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलें। यानी एक तो हम बात कर सकते हैं 126 यानी कि जेई ने जो लिस्ट डिक्लेयर किया था और जितने स्टूडेंट्स को जेई एडवांस क्वालिफाइड डिक्लेयर किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये कट ऑफ समवेयर इट शुड स्टैंड बिटवीन 115 मार्क्स टू 120 मार्क्स। और अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा तो वो हमारा अनुमान है कि 140 से 145 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रिलेटिवली इन सेफर जोन एंड दे विल बी अलाउड टू फिल ऑनलाइन चॉइस शीट।
इसी तरह से अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ये कट ऑफ आना चाहिए 110 नंबर से 115 नंबर के बीच में। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ आना चाहिए 55 मार्क्स से 60 के बीच में, और एसटी कैटेगरी में भी 55 से 60 के बीच में। ये जो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, इट इज जस्ट एक्सपेक्टेशन एज पर द फीडबैक वी हैव रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड आवर एकेडमिक टीम। इट्स नॉट द श्योर शॉट डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ। जब और ज्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्शन होगा तो इसमें और फाइन ट्यूनिंग हो सकता है, और ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, बट इनफैक्ट दीज आर द एक्सपेक्टेशंस एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। लेकिन फिर भी इस पेपर में एक खास बात थी, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इस तरह का है कि ये पेपर ओवरऑल लो स्कोरिंग रहा। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पेपर में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वो काम करता है तो वो अच्छा स्कोर इसमें ला सका होगा। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर में लो स्कोरिंग होने का क्या रीजन हो सकता है, फर्स्ट पेपर में ये जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में उसके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए फिर भी वो सेफर जोन में था, लेकिन उसका स्कोर बढ़े इस बात के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। लेकिन न्यूमेरिक रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल कैटेगरी के थे, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आसान थे। अगर स्टूडेंट्स ने पहले इन्हें अटेम्प्ट किया होगा तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया होगा। इसी तरीके से अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में ये जो सेक्शन है कॉलम मैचिंग सेक्शन, इस सेक्शन में जो कॉलम मैचिंग है वो बहुत स्कोरिंग था। आप समझ सकते हैं कॉलम मैचिंग किस तरह का होता है, ट्रेडिशनल कॉलम मैचिंग जिसमें कॉलम वन कॉलम टू में ए बी सी डी पी क्यू आर एस दिए होते हैं और ए बी सी डी का पी क्यू आर एस से मैच करना होता है। लेकिन जो कॉलम मैचिंग लास्ट ईयर जेई में आया था और जो इस साल आया है उसमें उस मैच को चार ऑप्शंस में डिस्क्राइब कर रखा था और उन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन पिक करना था। जैसा आपने पेपर देखा होगा उसमें आपने देखा है इस चीज को। तो अगर स्टूडेंट ने एक मैच भी देख लिया, दो मैच भी परफेक्टली देख लिए, तो उसका आंसर पर पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इस सेक्शन में उसका स्कोर बहुत अच्छा रहने के चांसेस हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया, उसके बाद ये सेक्शन अटेम्प्ट किया और उसके बाद ये सेक्शन अटेम्प्ट किया, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेटेजी इस पेपर में बहुत अच्छा रहा होगा और उसका स्कोर इस पेपर में रिलेटिवली ज्यादा आने के चांसेस हैं। बाकी करियर पॉइंट, जिस तरह के हमारे स्टूडेंट से हमारा फीडबैक आ रहा है, करियर पॉइंट की तरफ से कल तक, कल शाम तक हम एक रैंक प्रेडिक्टर प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट अपनी एक्सपेक्टेड रैंक का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस पेपर में उनकी क्या एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है, क्या रैंक उनकी हो सकती है, ताकि वो अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बना सकें। इस मोमेंट पर जेई एडवांस कंडक्ट हो चुका है इसलिए मैं कुछ खास बातें स्टूडेंट से और शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके सामने अभी कोई और एग्जाम ड्यू है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, आप देने वाले हैं, आपने उसका फॉर्म भरा हुआ है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको सिंसियरली उसको टारगेट करना चाहिए। चाहे आपका एग्जाम जेई एडवांस में अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्यों? क्योंकि अगर आप इस पेपर को ज्यादा एनालिसिस ही करते रहेंगे और उसकी वजह से अपने आने वाले एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। सो इट्स माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। जैसे बिट सेट का एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स का भी ड्यू हो सकता है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन एंड गुड रेप्यूटेड कॉलेजेस में उससे एडमिशन होता है। सो यू मस्ट फोकस ऑन दैट और जेई एडवांस के इस रेंज से बाहर आकर आप अपने बाकी बचे हुए एग्जाम्स पर फोकस करें। करियर पॉइंट एक अपनी काउंसलिंग हेल्पलाइन भी चलाता है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके एक्सपेक्टेड रैंक और एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पर कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच उन्हें मिल सकती है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। सो यू मे सीक द हेल्प एंड द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग हेल्पलाइन ऑल्सो। आपका क्या स्कोर बन रहा है इससे इसकी इंफॉर्मेशन के लिए करपन की वेबसाइट पर डिटेल्ड आंसर की एंड सॉल्यूशंस सभी कोड्स के अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस ऑफ स्पेस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बोथ द पेपर्स, और साथ में 10 कोड की जो पेपर वन पेपर टू में 10 कोड्स थे उन सभी 10 कोड्स के आंसर कीज अवेलेबल है। सो यू मे चेक योर पेपर एंड यू मे गेट द स्कोर दैट हाउ मेनी मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कुछ बातें जो जे एडवांस के बुलेटिन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं उनके बारे में भी आप अवेयर रहिएगा। जैसे कुछ चीजें हैं, 1 जून को जे एडवांस अपनी आंसर की डिक्लेयर करेंगे,
जे एडवांस की तरफ से ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर की जाएगी इस एग्जाम की। इसी तरह से 8 जून टू 11 जून के बीच में जो आपकी ओएमआर शीट्स दी हैं आपने, उनकी स्कैंड कॉपी डाली जाएगी ताकि आप अपना स्कैंड रिजल्ट और स्कैंड ओएमआर मार्क्स को, स्कैंड रिस्पॉन्सेस को चेक कर सकें। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए लास्ट डेट 15 जून है, 19 जून को जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट जे एडवांस पेपर एनालिसिस। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और इसी उम्मीद के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूं। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।